अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद कमर। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट और बिस्किट से मज़ेदार सी कॉफ़ी फ्लेवर और चॉकलेट वाली आइसक्रीम। बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले हम चॉकलेट सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए हाफ कप शुगर और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर के लिए हैं। 1 कप दूध डलेगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा डाल के इसे मिक्स कर लूँगी ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। फिर बाकी का दूध डाल के इसे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और पकाएंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और ये जो चॉकलेट सिरप है ये हमें एंड में आइसक्रीम के ऊपर डालने के काम आएगा। बाकी का दूध भी इसमें डाल चुकी हूँ और अब मैं स्टोव जो है वो ऑन कर लूँगी और इसे मुसलसल हिलाते रहना है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए, इस पे बबल्स बनने लग जाए, तो आपने आग बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है ताकि कहीं से भी अगर आग तेज़ हुई तो उस साइड से चॉकलेट जो है वो जले ना। इसलिए आग को स्लो करके 1 मिनट मज़ीद आपने इसको पकाना है और फिर फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि जब तक हम आइसक्रीम जो है वो तैयार करें ये अच्छा ठंडा हो जाए। ये व्यूअर्स, फ्लेम में बंद कर चुकी हूँ और अब इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी किसी बाउल में डाल के। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने एक फुल पैकेट जो है व्हिपिंग क्रीम का लिया है, इसे अब मैं व्हिप कर लूँगी। साइज़ में जब ये डबल हो जाएगी, फूल जाएगी आइसक्रीम, ये हमारी व्हिपिंग क्रीम, तो फिर मैं इसमें डालूँगी 1 कप दूध में मैंने 1 टेबलस्पून फुल माउंटेन, जो टेबलस्पून होता है फुल ऊपर तक भर के मैंने डाला है कॉफ़ी का, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किए हैं शुगर के। शुगर जो है वो ऑप्शनल है क्योंकि व्हिपिंग क्रीम भी मीठी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी आइसक्रीम नहीं पसंद करते तो आप ये जो 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी वाले दूध में वो स्किप करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ बीट करते जाना है, एकदम से सारा एक साथ नहीं डालना। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये आइसक्रीम। ब्रांडेड जो आइसक्रीम्स हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त आइसक्रीम है। आप एक दफ़ा बना के इसे खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। सारा कॉफ़ी वाला दूध मैं मिक्स कर चुकी हूँ। बस थोड़ा सा इसे बीट करूँगी कि अच्छी तरह हल हो जाए सारा दूध, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस अब हम इसमें डालेंगे ये चॉकलेटो बिस्किट, वन ऑफ माई फेवरेट बिस्किट्स, जिन्हें देखकर बिल्कुल भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता। इनके अंदर चॉकलेट फिल होती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, चाय में डिप करके भी और आइसक्रीम में मैंने ट्राई किए, बहुत ज़बरदस्त बनी ये आइसक्रीम। 10 वाला ये पैकेट है जो मैं 8 से 9 पैकेट्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये 10 वाले पैकेट में 3 बिस्किट्स होते हैं, 20 वाले में 6 बिस्किट्स होते हैं। जो भी आप लें और जितने आप पसंद करें उतने बिस्किट्स इसमें डालें। जब ये बाद में मुंह में आते हैं बहुत अमेजिंग लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। हाथों से ही तोड़कर डालूंगी, किसी भी शॉपर वगैरह में पैकेट में डाल के आपने नहीं इनको तोड़ना, क्योंकि इनकी सारी चॉकलेट जो है अंदर की वो वहाँ लग जाएगी पैकेट के साथ और वो वेस्ट हो जाएगी। मैं हाथ धो लूँ क्योंकि काफ़ी मैसी हो गए हैं। फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको बहुत लाइट हाथों से आपने मिक्स करना है ताकि बिस्किट्स के अंदर की जो चॉकलेट है वो सारी निकल ना जाए, वो बिस्किट्स के अंदर ही रहे। बस मिक्स करने के बाद मैं एक बड़ा कंटेनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम है। तो व्यूअर्स, आपने इसको तकरीबन 24 घंटों के लिए रखें, एटलीस्ट 2 दिन के लिए अगर आप रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रीज़ होगी। बस थोड़ा सा किनारे आपने छोड़ के फिल करना है कंटेनर को ताकि जो ऊपर ढक्कन है वो इजीली आ जाए और उसके साथ आइसक्रीम ना चिपके। फिर ये व्यूअर्स, जो सॉस हमने बनाई थी चॉकलेट की, ये मैं इसके ऊपर रफली डाल दूँगी, ये नीचे तक खुद ही चली जाएगी, आपने बस टॉप पर डाल देनी है। मैंने ये आइसक्रीम जो है ईद के लिए बनाई थी और मेरे बच्चों ने मुझे ज़्यादा देर तक इसे फ्रीज़ नहीं करने दिया। आप
कम से कम भी 24 घंटों के लिए ज़रूर रखिएगा इसे, क्योंकि बड़ा कंटेनर है, ज़्यादा क्वांटिटी में है आइसक्रीम, तो टाइम भी ज़्यादा लेगी फ्रीज़ होने में। अदरवाइज़ अगर आप हाफ़ विपिंग पैकेट लेते हैं तो फिर आप इसे 12 घंटों में, आपकी ये बहुत ज़बरदस्त फ्रीज़ हो जाती है। तो ईद वाले दिन हमने ये खाई और बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया इसे खा के। पहले तो जब मैंने देखा कि ये फ्रीज़ अच्छे से नहीं हुई तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए लेट हो गई, लेकिन फिर सबने खाई, बहुत पसंद की और मुझे फ़ोर्स किया कि मैं ये वीडियो जो है अपलोड करूं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। और इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अपनी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, इसको अगर 2 दिन पहले बनाते हैं, अगर अपने गेस्ट्स के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी बहुत अच्छी फ्रीज़ होगी। और बनाएं और मुझे फीडबैक दें। अब हम अपने बेडरूम में बैठे खा रहे हैं ये ईद वाले दिन और खूब इंजॉय की हमने ये आइसक्रीम। बस थोड़ा सा मुझे रहा कि अगर ये और अच्छी फ्रीज हो जाती तो आप इसकी और ज़बरदस्ती लुक देखते। और जो मुंह में ये बिस्किट्स और कॉफ़ी का जो फ्लेवर आता था और ऊपर से जो चॉकलेट सॉस मुँह में आता था, इट्स अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त था ये टेस्ट में। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। और ये मैं चॉकलेटो बिस्किट्स ब्रांड का बिल्कुल भी ऐड नहीं दे रही, ये वाकई में मेरे बहुत फेवरेट बिस्किट हैं और हमारे घर में, मेरी फैमिली में तो बहुत खाए जाते हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद हैं। तो मैंने ये आइसक्रीम में भी ट्राई किए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। ये आप देखेंगे आइसक्रीम के अंदर तक, नीचे तक, वो जो मैंने टॉप पे डाली थी चॉकलेट सॉस, वो नीचे तक चली गई है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ बेल होगा उसे ऑल पे हिट कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी ये बनाएं और इसे इंजॉय करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।